हाउ वेरी गुड मॉर्निंग फिफ्थ डे, कैसे दिन जा रहे पता ही नहीं चल रहा है। हमारा जो भी ऊटी का घूमना था जो बच गया वो बच गया, हम निकल गए मैसूर के लिए। ऊटी से मैसूर के बीच में अभी फिलहाल ऊटी में ही हम। हमेशा रोज सोचते हैं कि हम जल्दी निकलेंगे पर ऐसा कभी होता ही नहीं है। तो हम 10 बजे हमने स्टार्ट किया होटल से ब्रेकफास्ट वगैरह मस्त करके। अब हम पहुंचे हैं ट्री पार्क। इतनी सुंदर जगह है, मतलब नेचर का कोई तोड़ ही नहीं है। आप देखो, सिर्फ देखो। यश, इतना डिफिकल्ट नहीं जितना तुम सोच रहे हो। ये बस ये पकड़ो, लेट मी शो यू हाउ टू डू इट। ये स्लिपरी ना हुआ तो कर सकते हैं, वैसे तो बहुत स्लिपरी है लेकिन फिर भी वी विल ट्राई। वो क्या है कि हमने मंकी से काफी कुछ सीखा है। इट्स ऑल अबाउट बैलेंस माय फ्रेंड्स, इफ यू फाइंड योर बैलेंस एनीथिंग इज इजी। वेरी गुड। तो ये जो स्पॉट है ट्री पार्क, कि आप यहाँ पे हाफ एन आवर से 1 आवर स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नेचर है विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप पीस एंजॉय करते हो तो आराम से बैठ भी सकते हो, ध्यान भी लगा सकते हो। फ्यू ईटरी शॉप्स आर ओवर हियर, जो पीनट्स और स्वीट कॉर्न ये फ्रूट्स ये सब मिलते हैं, आप खा सकते हो। हाफ एन आवर 1 आवर इज मैक्स टाइम यू कैन स्पेंड ओवर हियर। कहाँ पे भी जाओ सब जगह के डॉगीज बहुत मस्त होते हैं। तो हम सारे बोल रहे थे सेम जगह है, सेम व्यू है, सेम ये ग्राउंड है, नहीं जाना है, लेकिन ये मैडम देखो जो लास्ट में आ रही है अभी क्या हुआ सेजल? दो चार गालियां दे दो। देखो हम आए थे वो स्पॉट से वहां पे, अभी थोड़ा और ऊपर है। पार्क और बीच में और एक फॉरेस्ट से होकर हम आए पाइकारा फॉल्स। और पाइकारा फॉल्स में 30 किलोमीटर के रेंज में हम 5 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। ये जो भैया है व्हाट्स योर नेम? सुदर्शन भैया इज गोइंग टू हेल्प अस एक्सप्लोर दिस 5 पॉइंट्स। सो व्हाट आर दोस प्लेसेस सुदर्शन भाई? फर्स्ट वन इज ट्राइबल विलेज, ओके, एंड शूटिंग स्पॉट, ओके, एंड ट्राइबल विलेज इज थोड़ा ट्राइबल विलेज, थोड़ा ट्राइबल Toda is one of the ancient tribes of the world. Okay. So they have been living here for more than about 2000 years. 2000 years. So by this road we are going, no? There are about 13 Toda tribal villages. Okay. And they are called as Mand. Okay. M-U-N-D, Mand. Mand. All their surnames. Okay, all their villages names comes by Mand. Mand. So okay. They call their Mand as like Tarnad Mand, Kariyamand, Pudumand, okay, Arthal Mand, Vartal Mand, so all are Mand. Mand. Mand is nothing but the Toda people living villages. Okay. So we are going to the shooting spot first, Raja Hindustani shooting spot, and then tribal village. Okay. And next is tea garden. Okay. And the fourth is the waterfalls, and last is the lake. ये है राजा हिंदुस्तानी, जो फिल्म थी आमिर खान की, ये उसका शूटिंग पॉइंट है। जहाँ पे हम खड़े हैं वो भी यहाँ पे भी शूट हुआ था। ये देखो ये पूरा है राजा हिंदुस्तानी का शूटिंग स्पॉट। कौन सा स्टेप करना था सेजल? करो ऑफ कैमरा। ओके, हम बिना शूज के हमें जाना है, हम कोई शूज वगैरह पहन नहीं सकते। और एक रूल है कि यहाँ पे गर्ल्स अलाउड नहीं है टेम्पल में। तो ये टेम्पल आ गया। तो यहाँ कुछ इस तरह के टेम्पल्स थे जिनके दरवाजे काफी छोटे थे,
वो इसलिए कि जो जंगली जानवर है जैसे कि यहाँ शेर बहुत पाए जाते हैं तो वो अंदर घुस ना पाए। और सुदर्शन भाई बता रहे थे कि यहाँ के जो लड़के हैं वो बहुत ही कम एज में ये जो पत्थर है डिफरेंट साइजेस के वो उठाने शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब तक वो ये 120 केजी का पत्थर ना उठा ले वो शादी के लिए तैयार नहीं है। और जब वो तैयार हो जाते हैं तो वो गांव की कोई भी लड़की के साथ शादी कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि जब तक वो लड़की 4 to 5 मंथ्स प्रेग्नेंट नहीं हो जाती वो शादी नहीं कर सकते। पहले घर ऐसे हुआ करते थे, ये अभी सिर्फ एक मेमोरी के लिए रखा है उन्होंने, अभी पूरा यू नो कॉन्क्रीट घर आ गए। तो ये ग्लेन मॉर्गन टी एस्टेट है, ये देखो ये पूरा टी फार्म है। प्लकिंग इज लाइक दे कॉल इट एज द फर्स्ट 3 लीव्स। ओके, दिस इज द फाइनेस्ट टी। ओके, this the tea should be like this, the color and everything. Mm-hmm. The young leaves. Okay, if it become like this then this will be waste. Okay, this is not fit for tea, only this one, the light green ones. ये जो ग्लेन मॉर्गन टी फार्म है ये पूरा 9000 acres, yes you heard it right, 9000 acres में स्प्रेड है। ये पहाड़ आफ्टर पहाड़ आफ्टर पहाड़, ये मतलब खत्म ही नहीं होता है। और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये ब्रिटिशर्स की, जो 1900 में ब्रिटिशर्स ने जब इन्वेड किया था ये तब से वो ओन कर रहे हैं। और एक बात ये है कि मुझे जान के शौक हुआ, ये जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी है जो 4000 पर केजी का प्राइस है उसका, सारी टी है वो एक्सपोर्ट होती है, और जो सेकेंड और थर्ड ग्रेड ऑफ क्वालिटी है इंडिया वालों के लिए रहती है, और जो फर्स्ट क्वालिटी रहती है ना वो सारी की सारी एक्सपोर्ट होती है, क्योंकि 4000 पर केजी वाली टी शायद ही कोई पीता होगा इंडिया में। आप देखो व्हाट अ ह्यूज प्लेस इट इज। ऑल्सो ये जो ये सबसे मैक्सिमम सनी है यहाँ पे, अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, और आप गर्मी में आओ ठंडी में आओ कभी भी आओ, सबसे ज़्यादा जो गर्म है ना ये यही है, और कुछ गर्म है ही नहीं, ठंडी हवाएं चल रही है, और यही जो मौसम है ना ये बेस्ट है ये टी प्लांटेशन के लिए। और ये कोई प्लांट नहीं है, ये एक्चुअली ये ट्रीज है, ट्रीज ये 150 साल तक ये ऐसे ही रहते हैं, आप पत्ते निकालते जाओ और फिर ये वापस आते रहेगा। और इनका मैक्सिमम हाइट है ये इतने ही बढ़ते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही ह्यूज है, बहुत बहुत ज्यादा यूज। ये जो है ये नेचुरल फॉरेस्ट वाटरफॉल है, ये टेंपल है, जय माता जी। आ जाओ वीडियो चालू है, सब लोग आ जाओ, वीडियो चालू है, गिरते हुए फोटो वीडियो आएगा, वीडियो चालू है, गिरते हुए फोटो वीडियो आएगा। मत मत जिगर टूट, कान खराब है। Happy birthday to you. देखो ये वही आदमी था, मैं कब से बोल रहा हूँ बहुत स्लिपरी बहुत स्लिपरी है, नहीं नहीं कुछ स्लिपरी नहीं है, नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है, लगानी अच्छी बात है, लगानी अच्छी बात है, छोटे मोटे चीजें होती रहती है। वीडियो चालू है, गिरते हुए फोटो वीडियो आएगा। देखो ऐसे कोई गिरता तो हंसना नहीं चाहिए। फोन के साथ गिरा है, देखो वैसे कोई गिरे तो हंसना नहीं चाहिए, लेकिन क्या ही कर सकते हो, मतलब हंसी है निकल जाती है, और सीरियस सिचुएशन में तो ज्यादा निकल जाती है। दो लोग डाउन और तीसरा तैयारी में, हाँ तीन लोग डाउन, ये भी डाउन थी, ये चौथा तैयारी में। एंजॉय कर लिया, 3-4 लोग ने अपना प्रेशियस पार्ट तोड़ दिया, लेकिन वी एंजॉयड अ लॉट। वापस गड्डी में बैठ के नेक्स्ट पॉइंट पे, मे बी द लास्ट पॉइंट। बहुत ही सीरीन है,
ये जो आपने ग्लेन मॉर्गन टी एस्टेट देखा था, ये उन्हीं का ही एक डैम है आगे। तो ऑब्वियसली 9000 एकर्स है, तो बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉपर्टी है। तो ये उन्हीं का है, एक इंटरनल लेक है और आगे एक बड़ा सा डैम है। इनफैक्ट ये भी एक डैम ही है ये, लेकिन ये बहुत पहले बनाया गया था। ये छोटा सा डैम है, लेकिन जो बड़ा वाला डैम है वो आगे है, और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो यहाँ पे स्टोर होता है इस लेक में। ये ठोकर मारी, पीछे से ठोकर आई तब ये आगे बढ़ी। तो लंच के बाद हम मधुमलाई टाइगर रिजर्व से होते हुए गए, जहाँ हमने बहुत ही सुंदर मोर देखे, स्पॉटेड डियर्स देखे, हाथी देखे, जो बिल्कुल अपने नेचुरल हैबिटेट में थे जंगल में। और हम पहुँचे कर्नाटका में, जहाँ हमने बंदीपुर टाइगर रिजर्व भी एक्सप्लोर किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहीं भी टाइगर नहीं दिखाई दिया, क्योंकि वो बहुत ही इंटीरियर्स में रहता है। ऊटी में जो 5 पॉइंट्स हमने कवर किए थे रैंडमली, उसके बाद हम निकले थे अराउंड 2 o'clock। फिर 2 o'clock से फिर हम निकले थे कुर्ग के लिए, लेकिन कुर्ग के लिए हम नहीं जा रहे, कुर्ग हम कल जाएंगे। अब हम जा रहे मैसूर की तरफ, और मैसूर अभी आने ही वाला है आधे घंटे में। तो हमने बीच में ये कोकोनट वाटर हॉल्ट लिया है, देखो ये। बाय द वे, जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स है, हम अगर जो रीजनल लैंग्वेज ना आती वो, तो हमको 50 rupees का नारियल देते हैं। अगर कोई साउथ में बात करे तो उनको 25 या 30 rupees में। ये देखो आ रहे, यहाँ पे जो हमने जाफर भाई को है बोल दिया था कि आप अपने लैंग्वेज में बात करो और जो नारियल का है सही सही प्राइस लगवाओ, तो यहाँ पे 30 rupees में हमको दे रहे हैं। मैसूर हम पहुँच गए हैं और हमारा फर्स्ट स्टॉप है भोलेनाथ का दरबार, नांजुंदेश्वर टेम्पल हम आए हैं। नांजुंदेश्वर टेम्पल, नांजुंदेश्वर। तो हमारी जो है, आप लोग किस्मत देखिए, हम 6:55 को कुछ पहुंचे मंदिर के बाहर, एंटर करते करते हमको 6:59 हो गए। और जैसे ही हमने दर्शन लिए भगवान जी के, महादेव जी के, जैसे ही आगे बढ़े दर्शन लेके मंदिर के द्वार क्लोज, 7 बजे दर्शन बंद हो जाता है। फिर वो भोग लगाते हैं भगवान जी को, और फिर धीरे धीरे करके सारे जो इंटरनल टेम्पल है सारे बंद हो जाते हैं। अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ 10 सेकंड का अंतर था और दर्शन चूक सकते थे हम, पर नहीं चूके, कि भगवान जी की इच्छा थी। वो आंटी क्या बोल रहे थे कोमल? शिवरात्रि में 2 दिन बहुत अच्छा फंक्शन होता है, डांस, ड्रामा, कॉमेडी। पहले आंटी ना कन्नड़ में बात कर रही थी, तो ये फुल एकदम जैसे कि मजा आती है। लेकिन कुछ ही बोलो, साउथ इंडियन कल्चर, लैंग्वेज, फूड, पीपल, आई लव देम, जबरदस्त। मेरे को हमेशा से लगता है मेरा साउथ में ना कुछ कनेक्शन है। लड़की ढूंढनी है? नहीं, नॉट अबाउट लड़की, कुछ तो हाँ स्पिरिचुअली, कुछ तो कनेक्शन है। पिछले जन्म का है ना, हो सकता है पिछले जन्म का हो सकता है कुछ। तो फाइनली हम मैसूर के होटल में चेक इन कर दिया है। मैसूर का मैं सच बोलू तो मैसूर के बारे में मुझे सिर्फ 2 चीजें पता है, एक मैसूर पाक जो आता है वो, और दूसरा मैसूर मसाला डोसा। इसके अलावा मुझे मैसूर के बारे में कुछ नॉलेज नहीं। तो एक्सप्लोर करते हैं।